नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही गर्मी पड़ रही है और इतनी गर्मी में ठंडा कुछ पीने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया सा, आप देख सकते हो, मरिंडा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार घर में बनकर रेडी होती है। बाजार से खरीदने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक मेरी रेसिपी जो है पहुंच सके। और लाइक अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हम कोई भी इस तरह से एक पतीला या कोई भी एक बोल ले लें, एक कढ़ाई या जिसमें भी आप बनाना चाहते हो, आप पैन कुछ भी ले सकते हो। इसमें डालेंगे हम चीनी, चीनी हम डालेंगे कप के मेजरमेंट से। तो लीजिए 2 कप हमने इसमें डालिए चीनी के, पूरे मेजरमेंट एक ही कप से जो है हमने मेजरमेंट लेनी है। और उसी कप के मेजरमेंट से हम इसमें डालेंगे पानी, पानी हम डालेंगे उसी कप के मेजरमेंट से, 1 कप भरकर। 1 कप और डाल दिया पहले और 1 कप हम इसमें और डालेंगे, यानी 2 कप चीनी और 2 कप हम इसमें पानी के डालेंगे। गैस को कर लेंगे हम नीचे से ऑन। इसको हम लगातार जो है इस तरह से हिलाते हुए हमने जो है चाशनी बनानी है। हमने कोई बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। हमने सबसे पहले तो चीनी को मेल्ट करेंगे, फिर 1 तार की हमने जो है चाशनी बनानी है। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, 2 या 3 तार की नहीं, सिर्फ हमने 1 तार की चाशनी जो है इसको बनाई है। जैसे कि हमारा ये चीनी बॉयल हो रही है, इसी स्टेज में हमने इसमें डाल लेना है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड खटाई के लिए भी होता है, प्रिजर्वेटिव भी होता है, और इससे जो है टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो मैं इसमें जो है 1/3 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है मैं इसमें सिट्रिक एसिड डाल दूँगी। इससे क्या होगा, चीनी भी जो इसमें है वो जमेगी नहीं, क्रिस्टलाइज नहीं होगी। इसको हिला लेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। इस स्टेज में जब आपको लगे कि हल्का हल्का बॉईल आने लगा, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो, मैं 1/2 चम्मच इसमें सिट्रिक एसिड और डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करें। लगातार हमने इसको हिलाते हुए जो है बॉईल करना है। आप देख सकते हो इसमें बॉईल और आने लगा है। इस स्टेज पे हम इसमें 1/2 चम्मच सिट्रिक एसिड और डालेंगे, इसको भी हिला लेंगे। तो एकदम से हमें सारा नहीं डालना है, रुक रुक के डालना है। आप देख सकते हो ये बॉईल हो गया। इस स्टेज में हम इसमें 1/2 कप चीनी और डालेंगे और इसमें 1 कप पानी और डालेंगे। इस तरह से गैस को फिर से तेज कर देंगे और फिर से इसमें जो है एक बॉईल आने देंगे, 1/2 कप चीनी इसमें और डाल देंगे, यानी कि 3 कप पानी और 3 कप चीनी। और सिट्रिक एसिड हमने इसमें तकरीबन 1 चम्मच भरकर डाला है। अब 1 चम्मच से थोड़ा कम डालें। ये इस स्टेज में आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपको किस तरह से कितना खट्टापन चाहिए। तो ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। इस स्टेज पे जो है हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। हमने इसको तब तक बॉईल करना है जब तक चीनी मेल्ट हो जाए, उसके बाद 1-2 मिनट और बॉईल करें और फिर गैस को जो है बंद कर दें। तो ये हमारी हो गई रेडी। तो ये हल्का ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हो। इसमें हम डालेंगे अपना फूड कलर, ये ऑरेंज फूड कलर है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं, बड़ी आसानी से जो है ये अवेलेबल रहता है। तो ये ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे इसमें, क्योंकि हम मरिंडा बना रहे हैं इसलिए वो ऑरेंज कलर की होती है, तो इसमें हम ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। कलर जितना आप डार्क करना चाहते हो, आपको पता ही है मरिंडा का कलर किस कलर का होता है, उस हिसाब से जो है हम इसमें ड्रॉप करेंगे। थोड़ा मैं इसमें और डाल दूंगी 2-4 बूंदें। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ गया। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ऑरेंज एसेंस, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा, बिल्कुल वैसा जैसे आप बाजार से लेकर पीते हैं। तो ये 4-5 बूंदें इसकी डाल दें और इसको हल्का ठंडा होने देते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीजर करते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब हम ले लेंगे कोई भी एक इस तरह से बोल और इसके ऊपर डाल लेंगे स्टेनर रख लेंगे और ये अपना कॉन्सेंट्रेट जो है एक बार हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और इसको जो है इस तरह से स्टेन कर लेंगे। हम इसको मसलिन क्लॉथ से भी स्टेन कर सकते हैं, इस तरह से इसको स्टेन कर लेंगे और जितना भी थोड़ा बहुत और रहता है इसको भी इस तरह से निकाल लेंगे। जो ऊपर झाग झाग आपको नजर आ रही है इसको निकाल लेंगे।
कि थोड़ी देर बाद अपने आप ही ये ठीक हो जाएगी। ऊपर से जितना भी है आप इसको इस तरह से निकाल लें। तो लीजिए ये हमारा कॉन्सेंट्रेट जो है ये रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेंट्रेट बना है। मैं आपको बताती हूँ कि इससे हम मरिंडा किस तरह से बनाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेट हमारा ठंडा हो चुका है, इसको साइड कर देंगे और जिस ग्लास में हमने बनाने हैं फैंटा मरिंडा वो निकाल। हमारा कॉन्सेंट्रेट जो है रेडी हो गया और ठंडा भी हो गया, तो ये चिप करेंगे अपने ग्लासेस में जिसमें हमने इसको सर्व करना है। इस समय एक बार इसको आप घर में बनाकर पी लेंगे तो आप दोबारा से बाजार से नहीं खरीदेंगे, ये तो मैं पक्का आपको बोल सकती हूँ। अब इसमें डालेंगे हम सोडा, कोई भी सोडा आप ले सकते हो, आप किनले का ले सकते हो या आप बिस्लेरी का ले सकते हो, फ्रेश खोलें फ्रेश सोडा लेकर। तो ये देखिए आप देखेंगे कि किस तरह से इसका जो है ये उसी तरह से लुक दे रहा है जैसे कि बाजार का मरिंडा लुक देती है। ये देखिए लग रही है बिल्कुल उसी तरह की, टेस्ट में भी ये बिल्कुल उसी तरह की है। आप इसको चाहते हैं तो हल्का हल्का जो है आप इसको हिला लें, ज़्यादा नहीं, अगर आप ज़्यादा हिलाएंगे तो उसके जो है बबल्स गैस निकल जाएगी। तो बिल्कुल हल्का हल्का इसको हिलाएं और इसमें डालें और चिल करने के लिए आइस क्यूब्स, एक एक इसमें आइस क्यूब डाल दें और इसको इस तरह से सर्व करें। आपके घर में कोई भी गेस्ट आए आप इसको इसी तरह से सर्व करें, कॉन्सेंट्रेट बनाकर रख दें और लंबे समय तक ये जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा। पार्टीज में गेट टुगेदर्स में आप इसको यूज़ करें और ख़ुद भी मज़ा लें, सबको मज़ा दें। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।